अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED BTC द्वितीय सेमेस्टर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट्स को लेकर। और दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज का पार्ट वन है, जिसमें दोस्तों हम आपके बहुविकल्पीय प्रश्न या दोस्तों इंग्लिश में कहते तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। और पेपर की दृष्टि से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और देखिए आपका जो इंग्लिश का पेपर आता है वो 25 नंबर का आता है। देखिए इसमें बैक काफी बच्चों की आती है, 25 में से दोस्तों आपको 12 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क, जिसमें से दोस्तों आपके देखिए 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के दोस्तों आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों 14 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट टाइप मतलब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, और आपको 12 नंबर लाने हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर रहिएगा, जैसे आप कैलकुलेटेड रहेंगे तो अच्छे नंबर गेन कर लेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को दोस्तों फिर शुरू करते हैं, और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या रहा हमारा कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ठीक है। आपका सी विकल्प आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर वेस्ट, आपका ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों इंग्लिश में होता क्या है ना कि जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही टू द पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको याद है तो पूरे नंबर, गलत है तो आपको 0 नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इम्फसाइज द इम्परर, ठीक है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग, बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज क्वाइंड इन, कब आया था दोस्तों, 1901 में, 1901। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर, क्या होता है दोस्तों, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। आपका यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियो, डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन क्या रहा, हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, सही आंसर क्या होगा, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। देखिए दोस्तों पहले ये वाला क्वेश्चन जो बाइलिंगुअल मेथड का था बहुत आता था पेपर में, अब देखते हैं आपके में आता है या नहीं। आठवां क्वेश्चन क्या रहा है, मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड या ऑल ऑफ देम, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी विकल्प, ऑल ऑफ देम। नौवां क्वेश्चन क्या रहा कि हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉक्स हो जाएगा, ठीक है ना, जंगली जानवर, बिल्ली और कुत्ता दोस्तों इसको तो आप पाल भी सकते हैं ना। दसवां क्वेश्चन क्या है कि चूज द नेम ऑफ बर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा क्रो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, चूज द नेम ऑफ द प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संडो, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि राइट नंबर 93 इन वर्ड्स, तो दोस्तों आपको ऐसे लिखना है कि क्या होगा ये, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 93। और गलती आपसे कहाँ हो जा सकती है दोस्तों, जैसे 93 को 19-3 लिख सकते हैं, जिसको कुछ लोग 19 का मतलब 19 होता है तो वो गलती होती है, तो दोस्तों आपका सही आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 93 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि आ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोएम, किसने कहा था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जॉन किट्स ने, डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि एम ऑफ पोएट्री इज, क्या होता है दोस्तों, देखिए टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एसेप्टिव सेंस और टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर या ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर दोस्तों होगा हमारे यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि फोर्थ डे ऑफ वीक इज, कौन सा होता है दोस्तों, चौथा, तो देखिए कि आपको बता दें स्टार्टिंग दोस्तों हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं संडे से, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा हम लोग शुरू कैसे करेंगे, संडे से करेंगे, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूजडे हो गया, फिर वेडनेसडे हो गया, तो सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा बुधवार, ठीक है, याद रखना दोस्तों। आप शुरुआत किससे करते हैं, हम लोग संडे से करते हैं, मतलब पहला दिन दोस्तों क्या होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सही आंसर हमारे यहाँ पर बुधवार होगा, तो गलतियां होती लोगों से यहाँ पर, ठीक है। अगर बोला जाता दोस्तों पांचवा दिन कौन सा होगा, तो मतलब फोर्थ डे की जगह लिखा होता फाइव डे होता, तो क्या होता फिर वहां पर होता आपका बुधवार के बाद दोस्तों अगला दिन कौन सा आता, गुरुवार आता है ना, फिर थर्सडे हो जाता है, ऐसे करके। 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन, किसके बीच में दोस्तों होता है, कितने लोगों के साथ कन्वर्सेशन होता है आपका, दो लोगों के साथ होता है ना। 17 नंबर क्वेश्चन इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स, क्या हो जाएगा दोस्तों, मंकी, एम से क्या हो गया, मंकी हो गया।
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच, क्या निक नेम है इसका? इसको दोस्तों दो बार ऐसे बोलते हैं, ओरल अप्रोच भी बोलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी वावल्स इन ए टू जेड, कितने होते हैं दोस्तों? सबको पता है पांच होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं वावल आपके? ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी कंसोनेंट्स ए टू जेड, पांच वावल हो गए तो बचे कितने दोस्तों आपके? 21 बचे ना, तो कंसोनेंट्स में आपको 21 हो गया, जो जो यहाँ पर वावल से छोड़ दीजिए सब हो गया, जैसे बी हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, ये सब बाकी जितने 21 वर्ड्स आपके आएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी काइंड ऑफ डिग्री, कितने होते हैं दोस्तों? ये आपके 3 डिग्री होते हैं, ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितने तरह के सेंटेंस होते हैं आपके? 6 प्रकार के होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ग्रामर, कितने आर्टिकल्स होते हैं दोस्तों आपके? 3 होते हैं ना, ए एंड द, आर्टिकल्स में ए हो गया आपका, एन हो गया और द हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ जेंडर्स, जेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच, कौन सा दोस्तों लेटर यहाँ पर साइलेंट में? तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका डी, सैंडविच, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काफी लोग दोस्तों इसको सैंडविच बोलेंगे, काफी लोग इसको बोलेंगे सैंडविच, सही आंसर होता है सैंडविच। तो यहाँ पर डी दोस्तों जो होता है ना वो आपका साइलेंट होता है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द, क्या लिखा दोस्तों? साइकोथेरेपी। तो सिंपल सी बात आप समझ गए, साइको को मतलब ऐसा आप है कि कौन सा हम लोग छोड़ रहे हैं इसको, पी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड, तो कौन सा दोस्तों वर्ड साइलेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा? ए विकल्प, यू, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा हमारा कि काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे एक ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, ऑडियो एड्स हो गया, विजुअल हो गया और ऑल ऑफ देम, तो दोस्तों सभी तरह से हम लोग टीचिंग करा सकते हैं ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा 30 नंबर की एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, एम क्या होता है दोस्तों इसका? देखिए टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज हो गया, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया, टू एसिमिलेट करेक्ट या पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, या दोस्तों ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर हमारा होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट हो गया, नोट ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो गया, फॉर फॉर्म ऑफ आर टीचिंग शेड्यूल हो गया, या ऑल ऑफ दीज, तो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। 32 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? फोनेटिक्स, डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? माइन, ठीक है, यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड GNET, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हो जाएगा नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सही आंसर होगा जी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, किससे दोस्तों करता है? वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न, मतलब दोस्तों सही आंसर होगा बोथ A एंड B, वर्ड एंड सेंटेंस, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स, कौन सा डे होता है? सिक्स डे। तो देखिए इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से हम आपको बता देते कैसे डे स्टार्ट होता है एक बार, इसको नहीं तो लिख के याद कर लीजिएगा। पहला दोस्तों जो डे स्टार्ट होता है वो आपका संडे से शुरू होता है, संडे हो गया, फिर दूसरा दोस्तों हो गया डे आपका मंडे हो गया, ठीक है, फिर दोस्तों तीसरा डे होता है आपका ट्यूजडे, ठीक है, फिर चौथा होता है आपका वेडनेसडे, फिर होता है दोस्तों आपका थर्सडे होता है, उसके बाद दोस्तों आपकी बारी आती है फ्राइडे की, फिर लास्ट में हमारा आता है सैटरडे, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों इसको लिख लीजिएगा एक जगह, नहीं तो आप लोग भूलेंगे। पहला दोस्तों आपका संडे हो गया, रविवार हो गया, दूसरा दोस्तों आपका सोमवार हो गया, मंडे, तीसरा हो गया दोस्तों मंगलवार, ट्यूजडे, चौथा हो दोस्तों हो गया आपका वेडनेसडे बुधवार, पांचवा हो गया दोस्तों आपका थर्सडे मतलब गुरुवार, छठा हो गया आपका शुक्रवार, सातवा हो गया सैटरडे का मतलब शनिवार, ऐसे होता है। तो दोस्तों इसमें बोला गया था फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, कौन था दोस्तों डे, तो यहाँ पर हो गया आप देख रहे होंगे छठा डे ना, छठा दिन। फिर 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है 37, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, देखिए हम बोलते हैं कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो 37 का दोस्तों आपका ए विकल्प से होगा सीजे डॉटसन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजिटिव केस, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हुज, WHOSE। तो दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विसल, तो इसमें दोस्तों कौन कौन से वर्ड्स आपके साइलेंट है वो आपको बताना है। तो देखिए एक तो दोस्तों आ जाएगा आपका HNT, जी हाँ दोस्तों विसल, इसको पढ़ते हैं तो मतलब एक तो H हो गया साइलेंट और एक दोस्तों इसमें T हो गया, ठीक है ना, तो H और T इसमें साइलेंट होते हैं,
ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, मतलब कौन सा इसमें एडजेक्टिव, तो मतलब ये हो जाएगा आपका चूसी, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेडनेसडे। देखिए आपको यहाँ पर ये देखना था किस स्पेलिंग से लिखी, WEDNESDAY। जैसे मंडे की स्पेलिंग MON होता है तो यहाँ MUN लिखा, तो मतलब आपको सही स्पेलिंग वाला बताना था। 42 नंबर क्वेश्चन, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। इनका नाम तो बिल्कुल याद कर ही लीजिएगा, ये पेपर में कभी क्वेश्चन है तो आप इसको सही करके आए। 43 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, किसका होता है दोस्तों, ये होता है आपका इंडक्टिव मेथड, डी विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइडेड टू से एट होटल इन द सेंटर ऑफ टाउन, क्या होगा दोस्तों सही चीज, यहाँ पर हो जाएगा एट द, ठीक है ना, द लिखेंगे तो आपका सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड गर्ल पनिश्ड, तो सही वर्ब क्या होगी दोस्तों आपको ये बताना था, तो ये हो जाएगी वाज हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे WAS, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज पनिश्ड। 46 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग आपको सही बतानी, तो ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR, ठीक है ना, ग्रामर की स्पेलिंग अगर आपको नहीं आती तो फिर आप लोग गलती कर रहे हैं पढ़ाई में। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, आई केम एट हिज रिक्वेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आई केम एट, ठीक है ना, ये वाला विकल्प सही है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकेम ग्रेट मैन, तो समझ गए होंगे दोस्तों क्या होगा, सही आंसर ए हो जाएगा, ही बिकेम अ ग्रेट मैन, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्या रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, टूडे नेचर मैन इच, और इसको आपको रीअरेंज करना था, मतलब सेंटर शुरुआत से लिखना था, तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, CADB, मतलब दोस्तों सबसे पहले ये लिखेंगे मैन इज टूडे प्लेइंग विद नेचर, ठीक ना, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, अगर इसको रीअरेंज करने का मतलब आपको शुरू से लिखना था, तो मैन हो जाएगा इज हो जाएगा, मैन इज टूडे, ठीक है ना, प्लेइंग विद, लास्ट में हो जाएगा हमारे दोस्तों नेचर, ठीक है, यह होगा। और अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या रहा हमारा कि विच मेथड इज अ मिडवे, ठीक है ना, बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाई लैंग्वल मेथड, ठीक है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM, सही आंसर क्या होगा हमारा, TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको जरा ध्यान में आपको रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, वी गॉट डिफिकल्टीज, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी विकल्प हो जाएगा, इन टू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, वी गॉट इन टू डिफिकल्टीज। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का, वाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल्स, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए एक तो स्पीकिंग हो जाएगा और एक राइटिंग स्किल हो गया, ठीक है ना, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन एक बात और आपको बता दें, अभी इंग्लिश के दोस्तों हम काफी वीडियोस आपको देने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पार्ट टू जरूर देखना है, जिसमें आपके दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, उसके बाद दोस्तों पार्ट 3 में आपके सारे लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, एक भी वीडियो को आपको इसमें छोड़ना नहीं। इंग्लिश में दोस्तों बैक बहुत ही ज्यादा आती है, तो इंग्लिश को हम बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, तो उसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को हर एक दोस्तों के साथ, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो भी कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप हो इसमें शेयर करके दे दीजिएगा, ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।